जय श्री राधे। वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आपकी हथेली में धन आगमन के कुछ संकेत या निकट भविष्य में धनार्जन यानी धन लाभ होने की स्थितियाँ को बताती बहुत सारी रेखाएं हैं, जिसके संबंध में आप जानेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हथेली में या जिनके जीवन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय से निर्धनता चल रही है और हथेली में अच्छी रेखाओं का अभाव चल रहा है। क्या निकट भविष्य में उनके लिए कुछ अच्छे योग बनने हैं, इसके संबंध में अगर जानना हो तो इस वीडियो को काफ़ी बार किससे देखें और उन रेखाओं के बारे में जानें जो अगर आपकी हथेली में कुछ पिछले कुछ समय में उभर के आई है तो ये बताती है कि आने वाले समय में आपके जीवन में धन लाभ बेहतर गति से होने वाला है। या अगर आपने कुछ शुरू किया है, कोई काम धंधा शुरू किया है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। या अगर आपके जीवन में निर्धनता लगातार चल रही है तो कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको बेहतर स्थिति की तरफ लेते हुए जाएगा। सबसे पहले इसमें आप गौर करना चंद्र के क्षेत्र में। चंद्र के क्षेत्र में अगर ऊर्ध्वगामी रेखाओं की स्थिति नई नई आपके हथेली पर आई है यानी ऊपर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति, तो ये स्पष्ट धन लाभ के संकेत है, यानी कि निकट भविष्य में आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ से जो धन की प्राप्ति होती है वो गुप्त रूप से भी हो सकती है, आपके मातृपक्ष से भी हो सकती है, या पत्नी के सहयोग से भी आपके धन के योग बनेंगे। या अगर आप किसी खास कार्य में दक्ष हैं, यानी कि अगर कोई खास हुनर है तो उसके सहारे आप धन लाभ की स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अगर बाहर की तरफ जाती हुई रेखाओं में यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति अगर आपके लिए पनपने लगी है, क्रॉस की स्थिति यहाँ पर आपको दिखने लगी है, तो ये भी स्पष्ट करती है कि जिस भी काम को आपने शुरू किया है या शुरू करने की योजना बना रहे हैं उस काम को अगर शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द शुरू करें, और अगर शुरू कर दिया है तो पूरी तन्मयता के साथ यानी पूरी ऊर्जा के साथ उस पर लगे। आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा धन लाभ कराने की स्थिति में आता चला जाएगा। इसके अलावा जो कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति है उसमें शुक्र के क्षेत्र को भी देखना न भूले। यहाँ पर अगर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति नई नई ताज़ी ताज़ी बननी शुरू हो गई है, देखो हाथ को जब गौर से देखोगे ना रोज़ के रोज़, तो पता चलेगा कि क्या नया डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। और अगर रेखाओं के साथ लालिमा अंदर की तरफ खून दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि ये ताज़ी ताज़ी रेखाएँ अभी आगे की तरफ बढ़ी हैं और आपको बेहतर अवसर या सुअवसर प्रदान करने का काम करेगी। तो ऊपर की तरफ जाते अगर रेखाओं की स्थिति बन रही है तो ये भी आपके पुरुषार्थ के द्वारा आपके जीवन में धन लाभ की स्थिति को पैदा करेगी। जब भी यहाँ पर अगर ट्राइडेंट ट्रायंगल वगैरह की स्थिति भी बनती है, स्क्वायर की भी, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास देखना, आपके आसपास ही वो अवसर मौजूद हैं जो कि आपको जीवन में काफ़ी उन्नति की तरफ ले जाने का काम करेगा और आपको आगे बढ़ाने की स्थिति में ले जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पैतृक संपत्ति के द्वारा भी या पैतृक जो घर है आपका वहाँ से भी या जहाँ आपने जन्म लिया है वहाँ भी अगर किसी प्रकार का व्यवसाय आप करेंगे तो उससे उन्नति की स्थिति आपके लिए पनपेगी। ऐसे लोगों को कभी भी डरना नहीं चाहिए और पूरी निडरता के साथ अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे अगर बढ़ेंगे तो निकट भविष्य में आपके लिए धन लाभ की स्पष्ट स्थिति बनेगी, ऐसा मान लें। इसके अलावा भाग्य रेखा अगर प्रबल होती हुई आगे की तरफ जा रही है, लालमायुक्त तो हो गई है पिछले कुछ समय में, तो ये भी एक सक्रिय स्थिति को दिखाती है जो कि आने वाले एक बेहतर कल को आपके लिए दिखाने का काम करती है। पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को आगे की तरफ लगाएं, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब हम आएंगे यहाँ पर जो पर्वत क्षेत्र हैं उन पर उभरने वाली कुछ अंशकालिक रेखाएँ जो कि अस्थायी रूप से आती हैं टेम्पररली कुछ समय के लिए और आपको खुशियाँ दे के चली जाती हैं। उसमें आपको यहाँ पर देखना है कि बाहर की तरफ जाती हुई रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बन रही है नहीं, ऊर्ध्वगामी रेखाएं हों दाहिनी तरफ भाग रही हों। अगर ऐसी रेखाएं अगले कुछ समय में आपकी हथेली में दिख रही है तो ये आपके आने वाले समय में आपके लिए उन्नति के दरवाजों को स्पष्ट खोल रही है। और ये स्थिति अगर यहाँ पर आई मतलब लंबे समय तक आपके लिए परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहेगी और आर्थिक स्थिति आपके लिए सुदृढ़ होती हुई चली जाएगी। शनि के क्षेत्र में अगर त्रिशूलाकार आकृति की स्थिति आपके लिए अच्छी खासी बन रही है, तिलक की स्थिति अच्छी खासी बन रही है, इसके अलावा जो आपके लिए यहाँ पर तिलक की एक शनि की तिलक हो जाए या विष्णु तिलक की स्थिति हो जाए वैसे भी कुछ बन रही है, तो ये आपके लिए अच्छे संकेत हैं जो कि आपके लिए एक अस्थायी धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही मध्य के क्षेत्र में अगर क्रॉस की स्थिति आ जाए, निचले क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति आ जाए, तो ये आने वाले समय में आपके लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों या अस्थायी धन की एक आगमन की स्थिति को बताने का काम करेगी और ये आपके लिए लंबे समय तक यानी कि प्रौढ़ावस्था तक आपको धन से ओतप्रोत रखने का काम करेगी। लेकिन दो चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले शनि के इस क्षेत्र में जैसे ही सारी उंगलियां मिलाओगे ना, अगर इस क्षेत्र में आपको कहीं भी एक ढलान जैसा नजर आ जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि एक जैसे एक पाइप गया हुआ हो, बिल्कुल गहराई के साथ यहाँ से लेकर नीचे तक चलता चला जाए, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा नाली जो होता है ना कहीं का,
वो उस तरीके से इस बीच में गहराई के साथ यानी दोनों तरफ उठा हुआ हो और यहाँ पर अंदर में गहराई के साथ ही आगे की तरफ बढ़ रही हो। ऐसी स्थिति में पैसे आएंगे बहुत ज़्यादा लेकिन रुकेंगे नहीं। यही स्थिति आपके अगर सूर्य के इस मध्य के क्षेत्र में या शनि के माफ़ कीजिएगा सूर्य के और बुध के इस क्षेत्र में अगर कहीं भी ऐसी नलिका रेखाएँ ऐसी बन जाएँ जो कि बिल्कुल जाती हुई दिखें तो ऐसी स्थिति में आप संभल जाना, क्योंकि इस तरफ अगर बनेगी तो आपका यश जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा जाएगी, आपका ज्ञान जाएगा। इस तरफ अगर ऐसी नलिका रेखाएँ बनेंगी तो ये आपके लिए पूर्ण तौर पे संपत्ति और धन से संबंधित मुश्किलों को स्पष्ट तौर पे बताने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में होगी तो आपकी पवित्रता का नाश होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ नई रेखाएं पनप रही है शुभ, तो इसका मतलब है कि निकट भविष्य में आपके लिए धनयोग स्पष्ट तौर पे बन पड़ा है। इसके अलावा शनि के क्षेत्र में अगर छोटी छोटी रेखाएं नई रूप से आपको दिख रही है तो इसका भी स्पष्ट मतलब है कि आने वाले समय में आपको प्रचुर मात्रा में धन के योग आपके लिए बनेंगे। सूर्य के इस क्षेत्र में एकल रेखाएँ अगर मजबूत होती चली जाएँ और इसकी जो प्रकृति है वो बेहतर होती चली जाए, यानी कि देखते ही बने गहराई बहुत ज़्यादा ले लेवे और ऊपर लालिमा आने लगे या गुलाबीपन आने लगे, तो समझ लो कि आने वाले निकट भविष्य में आपके लिए धन के अच्छे आगमन यहाँ पर होने वाले हैं। साथ ही बुध के क्षेत्र में सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि चिकनाई कितनी है, जितनी ज़्यादा चिकनाई उतने ज़्यादा बेहतर नतीजे देने का ही काम करेगी। लेकिन वही मध्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रॉस बनने लगे तो समझ लेना कि उलझने अब बढ़ने वाली है। तो यही कुछ योग हैं जिसके द्वारा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आप निकट भविष्य में धनागमन की स्थिति होने वाली है और जीवन आपका बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ने वाला है। मंगल का यह क्षेत्र भी ध्यान देने योग्य है लेकिन इसमें काफ़ी पेचीदा है, इसलिए सामान्य रूप से समझना आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। साथ ही यहाँ बाहर की तरफ निकलती हुई रेखाओं की स्थिति जब भी आपको मालूम चले तो इस पर काफ़ी गौर करना, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए भी बाहर की तरफ बढ़ेंगी तो आपको लंबे समय तक के लिए आपके धन के आगमन के योगों को बनाकर ही जाएगी, तो इस पर काफ़ी ध्यान देना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।